तो दोस्तों यार आज मेरे पास एक दिवाली की नॉर्मल सी चक्री और दूसरा ये एक छुटकू सा अनार। दोस्तों ये चक्री है ये अनार है, दोनों का चलने का तरीका अलग अलग है। चक्री को जमीन पर चलाया जाता है कुछ इस तरीके से, गोल गोल घूमती है, और अनार को जमीन पर रख के कुछ इस तरीके से चलाया जाता है और ये ऊपर की तरफ दोस्तों निकलता है। बट आज हम इस वीडियो में ट्राई करने वाले हैं दोनों को मिक्स करने वाले। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, दोनों को मिक्स, दोनों के एक साथ चलाने वाले हैं। मैं करूँगा क्या, सिंपल से इस चक्री को नीचे रखूँगा और फेविकोल की सहायता से इस अनार को इसके ऊपर इस प्रकार से चिपकाऊंगा और फिर दोनों को एक साथ चलाएंगे और देखेंगे कि नज़ारा देखने में कैसा दिखता है। तो दोस्तों जल्दी से मैं इसे चिपकाता हूं, तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए, ये मैंने पहले से ऑलरेडी एक चक्री के ऊपर अनार को इस प्रकार से फिक्स किया हुआ है। ये देख सकते हो आप, फेविकोल की सहायता से मैंने अच्छे से चिपका लिए। देखिए नीचे चक्री है और ऊपर अनार है, फेविकोल लगा हुआ है यहाँ पे। मैंने एक दिन पहले ही लगाकर छोड़ दिया था ताकि ज़्यादा टाइम अपना खराब ना हो। तो अभी आइडिया काफ़ी सिंपल सा है कि चक्री को हम आग लगाएंगे पहले, उसके बाद लगाएंगे अनार के ऊपर आग और देखेंगे कि दोनों जब एक साथ चलते हैं तो नज़ारा कितना खूबसूरत दिखता है दोस्तों। तो उसके लिए मैंने लिए है एक परात। ये एक बड़ी सी थाली है, हम इसे परात कहते हैं। ये थाली का ही रूप है बड़ा, इसके अंदर इस प्रकार चलाएंगे ताकि हमारी चक्री भी कहीं इधर उधर बाहर न जाए, इसके अंदर ही रहे। इसके अंदर अपनी चक्री घूमेंगी और ऊपर अनार चलता रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों मेरा मानना है कि दोनों एक साथ चलेंगे तो बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा। तो आपका ज़्यादा टाइम खराब न करते हुए जल्दी से इन दोनों को एक साथ आग लगाते हैं और देखते हैं कि नज़ारा कैसा दिखता है दोस्तों। तो दोस्तों इसे चलाने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ इस गैस टॉर्च का, क्योंकि गैस टॉर्च का जो फ्लेम होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, तो जल्दी से हम दोनों को एक साथ जला सकते हैं। अगर ये भी माचिस या सिंपल सा लाइटर यूज करूँगा तो दोनों एक साथ नहीं चल पाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोनों को जल्दी से मैं आग लगाता हूँ और देखते हैं कि नज़ारा कितना ज़्यादा सुंदर होगा। तो दोस्तों यार ये नज़ारा अपना कुछ अच्छा नहीं था और हमारी जो परात है उसे भी कुछ इसने डैमेज कर दिया है। शायद या तो चक्री अपनी मिस हो गई या फिर हो सकता है दोनों एक साथ ना चल पाए हों दोस्तों। दोनों में से कोई सा भी रीज़न हो सकता है, इसीलिए मैंने इसके ऊपर अनार छुटकू सा लिया था, क्योंकि बड़ा अनार लेते तो अनार का वज़न कुछ ज़्यादा हो जाता और फिर वैसे ही ये जो अपना सिंपल सा तरीका है वो फेल हो सकता था। इसीलिए मैं छुटकू अनार लिया ताकि इसको ज़्यादा वेट ना हो, तो शायद हो सकता है कि चक्री ही अपनी मिस हो गई हो दोस्तों। दोस्तों यार पहले वाली अपनी जो चक्री थी वो थोड़ा मिस हो चुकी, नहीं चल पाई अच्छे से, इसलिए मैंने दोबारा से इस चक्री और नार को ज्वाइंट किया है। दोबारा से इसकी टेस्टिंग करते हैं, देखते हैं कि अभी चल पाती है या फिर नहीं। तो चलिए जल्दी से मैं यार ये दोनों को जब एक साथ चलाया जाता है तो शायद इसके वजन की वजह से ही ये नहीं चल पाते दोस्तों। तो गाइज यार ये देखिए, मैंने दो बार ट्राई कर लिया है, कल शाम को किया था और एक अब मॉर्निंग में कर रहा हूँ, क्योंकि पहले वाली जो अपनी चक्री थी मिस होगी, मैंने सोचा कि चक्री ही खराब न हो इसलिए दोबारा से इस चीज़ को ट्राई किया। बट यार चक्री में कोई फॉल्ट नहीं है, बल्कि अपना जो अनार जैसे चक्री के ऊपर चिपका देते हैं तो अपने इस अनार के वेट की वजह से जो अनार का वजन होता है वो चक्री के ऊपर पड़ता है, उसकी वजह से चक्री घूम नहीं पाती दोस्तों। तो इस तरीके से दोनों को एक साथ नहीं चलाया जा सकता। मैंने दो बार कोशिश कर ली बट दोनों बार ये फेल होगी। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, फिर से कोई अच्छी और बेहतर वीडियो के साथ ट्राई करेंगे और आपके साथ फिर आएंगे किस नेक्स्ट और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।